subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल. स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में. दोस्तों, बात करते हैं आज के वोटिंग ट्रेंड्स की. कल के वोटिंग ट्रेंड्स कुछ और थे, आज के वोटिंग ट्रेंड्स कुछ और हैं. तो बात करते हैं पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे. तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वोटिंग लाइन संडे रात तक, यानी कि आज रात तक खुली है. कल के होंगे फाइनल वोटिंग ट्रेंड्स की क्या हुए, कौन बिग बॉस के घर से इस बार बाहर निकल जाएगा. जैसा कि जाहिर सी बात है, आज के वीकेंड का बार में कोई भी बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि वोटिंग लाइन ही रात तक खुली हुई है. तो इसके बाद किसी को बाहर निकाला जाएगा. चार लोग हैं आपके, सभी चारों पसंदीदा कंटेस्टेंट हैं. तो रुबीना दिलाइक, जैस्मिन भसीन, निशांत सिंह मलकानी और कविता कौशिक. तो सीधी सी बात है, नंबर वन से शुरू करते हैं कि सबसे पहले जो सेफ है, जिसकी की विकेट कोई नहीं हिला सकता, मेकर चाहे तो हिला सकते हैं, अदरवाइज वो बिल्कुल पब्लिक पोलिंग की को देखें तो वो सेफ है. रुबीना दिलायक को सबसे ज्यादा वोट पड़ रहे हैं. रुबीना दिलायक है वोटिंग में नंबर वन पे. तो नंबर दो पे है उसके पीछे पीछे उसकी सखी, उसकी सहेली जैस्मिन भसीन. तो जैस्मिन भसीन और रुबीना दिलायक में से कोई भी इस हफ्ते नहीं जाएगा, तो दोनों सेफ हैं, जाहिर सी बात है. तो बाकी बचे निशांत सिंह मलकानी और कविता कौशिक. तो निशांत सिंह मलकानी को कल सबसे ज्यादा कम वोट मिल रहे थे और कविता कौशिक बची हुई थी. कविता कौशिक सेफ थी, यानी कि सेव नहीं कह सकते, ये है कि निशांत मलकानी और कविता कौशिक में से कविता कौशिक को ज्यादा वोट मिले थे निशांत मलकानी को. लेकिन दोस्तों, आज निशांत मलकानी कविता कौशिक के ऊपर है. कविता कौशिक तीसरे नंबर पे जिनको वोट पड़ रहे हैं वो है निशांत सिंह मलकानी, और चौथे नंबर पे हमारे हिसाब से, जो वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से, वो है कविता कौशिक. कविता कौशिक नंबर फोर पे. हालांकि निशांत सिंह मलकानी और कविता कौशिक में बहुत कम वोट का फर्क है, ये कभी भी पूरा हो सकता है. तो डिपेंड करता है कल के जो फाइनल वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से कि कौन होगा. जाहिर सी बात है, इन दोनों में से किसी एक को बिग बॉस का घर छोड़ना पड़ेगा. तो वो कौन होता है वो कल के वोटिंग ट्रेंड डिसाइड करेंगे. तो कैसा लगा आपको वीडियो, के नीचे कमेंट करके बताइएगा. देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स. धन्यवाद. The button and enjoy the latest uploads from our channel.